1998 की बात है, मेरा बस का काम था। बस हमारी जल्दी चला करती थी, मेरे गांव से बिलासपुर आया करती थी, और बस का जब काम देखता था मैं, तो आए दिन लोगों से लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना, मन एकदम खिन्न रहता था। एक दिन की बात है, मैं चांपा से बस में गुजर रहा था और बाहर की तरफ देखते हुए जा रहा था, वैसे ही बाबूजी का छोटा सा शिष्य चित्र मेरे को दिखाई दिया। उसमें लिख रहा था, सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। उसको जैसे ही पढ़ा, मैं ड्राइवर को बोला गाड़ी रोक। ड्राइवर गाड़ी रोका, मैं वहाँ उतर गया। ड्राइवर को बोला अगले स्टॉपेज में तुम खड़े हो, इंतज़ार करना। और मैं जाके उनसे पूछा दुकान वाले से, भैया मैं बोला कौन है ये, तो वो बताया कि आसाराम बापू जी हैं। और मैं उनको देखा तो देखते ही रह गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में इन्हीं की तलाश है मुझे। और उस दिन मैं बापू जी के बहुत सारे श्री चित्र और जो जो सामान मेरी आवश्यकता की थी, वो सारी चीज़ लेके मैं गाड़ी में बैठ गया। उस दिन से मैं महसूस किया कि मेरे जीवन में आगे बढ़ने की जो शुरुआत होनी चाहिए, वो उस दिन से शुरुआत शुरू हो गई। और सही गलत की पहचान मुझे बाबूजी के श्री चित्र देखने से हुई। मैं बनारस गया था बाबूजी से दीक्षा लेने के लिए। मैं ये भी नहीं जानता था कि बाबूजी कैसे होंगे। मेरे अंदर में गुरु की जो छवि थी, वो परमात्मा की, वो आज भी है, उस समय भी थी। और मैं आपको सबसे मज़ेदार की बात बताऊं, मैं रात में जहां ठहरा था, एक आदमी आया, बोला कि मैं पूनम व्रतधारी हूं, मुझे भी आप कमरे में रहने की व्यवस्था दें। तो मैंने कहा कि आप पूनम व्रतधारी क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि मैं हर महीने गुरु जी दर्शन करता हूँ। वो हमारे साथ रात को रुक गए, वही हमको बताए कि मैं 4 बजे बाबूजी के दर्शन करने यहाँ से सारनाथ जाऊँगा पैदल, 2 किलोमीटर है, आप भी मेरे साथ चलें, वहीं बाबूजी रुके हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं गुरु गीता, मैंने बताया कि इस गुरु गीता बोलते हैं, इसको आप पढ़ा करो। मैं रोज़ गुरु गीता उस दिन से पढ़ना शुरू किया। वहाँ पर पूरी 3 अध्याय पढ़ लिया, माला रखा था, माला करना शुरू कर दिया। मैं दीक्षा नहीं लिया तो उससे पहले ही माला करता था, बताया था मैं साधक लोग कि ऐसा ऐसा माला करते हैं। और जब मैं जाके बापूजी के दर्शन के समय नीचे बैठा था, तो बापूजी कार से आए, सफ़ेद रंग की कार थी। अब बापूजी कम से कम 50 फीट आगे निकल गए कार से, रुकवाए कार को और रुका के मेरे पास ही आए बापूजी। और मुझे बोलते हैं कहाँ से आया है। सबसे मेरे जीवन का पहला अनुभव कि बाबूजी ने मुझे कहाँ से आया है। मैं बाबूजी देखते रह गया, मैं जवाब भी नहीं दे पाया। मेरे बगल में एक भाई बैठा था, बोला बाबूजी मैं नेपाल से आया हूँ, ऐसे करके उन्होंने बात शुरू की। बाबूजी मुझे गौर से देखते रहे, मैं बाबूजी को देखता रहा। उसके बाद बाबूजी फिर चले गए, प्रसाद दिए, और वो जो कुछ टाफियों पर कुछ था, बाबूजी प्रसाद दिए, बाबूजी प्रसाद देकर चले गए। उस दिन से मेरी ज़िंदगी में वो परिवर्तन आया कि मेरे से जुड़े हुए सभी व्यक्ति जानते हैं, मैं बारदाने का काम करने लगा। बारदाने काम में मोटरसाइकिल में फेरी करता था, उसके बाद ऑटो लिया, ऑटो लेके बड़ी गाड़ी लिया। आज ये स्थिति है, गुरु कृपा से पूर्ण रूप से संपन्न हूँ और योग वेदांत सेवा समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ।